क्लास 10। क्लास 10 के लिए फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पढ़ेंगे और इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट और पूरी जानकारी मिलेगी। लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के अगर फिनोमेना देखा जाए, रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन से देखे जाए, तो कोई भी चीज हमें दिखाई देता है, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर इस मार्कर को हम देख रहे हैं तो ये भी हमें रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आता है और हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, सिंपली ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, सपोज किया कि ये प्लेन मिरर है, जो लाइट एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं प्लेन मिरर पर, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और अगर यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया, देन इट इज नोन एज नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल, राइट? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो बैक एंड दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एरो में ये दिखाने के लिए लाइन तो ये सीधी है और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब एक चीज यहां ध्यान में देने वाली बात है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच एंगल बनता है इसको हम बोलेंगे आई, दैट मीन इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो या रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट? अब इसकी लॉ की बात करें, इसका फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है ना? इंसिडेंट रे
नॉर्मल ये वाली लाइन और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन मिरर के ऊपर है एम डैश, तो इसको बोलेंगे लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ की बात करें तो आई इज इक्वल्स टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ने लगेंगे और ये फिर रह जाएगा। एक क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस या मिरर लिख सकते हो नॉर्मली देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है किसी प्लेन सरफेस पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल आप मेजर करो तो नॉर्मल के साथ है ना। अगर ये एंगल मान लिया, ये एंगल आपको 30 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितनी बनेगी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ गया, आई 30 नहीं लेगी 60 डिग्री लेगी, यानी जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच हो। यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि नॉर्मली इंसिडेंट करती है, यानी नॉर्मल से होकर के जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा है ना। तो आई कितना हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और दूसरा होगा एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कि एंगल आई लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर लिखते हैं, ये दोनों बराबर होता है तो आई 0 हो गया तो आर भी 0 हो गया राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए था। हमारे कोर्स में स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहली बात तो ये कि मिरर बनता कैसे है इसको जरा सा हम लोग देख लें। मान लिया ये प्लेन ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इससे हमें मिरर बनाना है, तो हम क्या करते हैं इसके एक साइड लाइनिंग कर देते हैं। लाइनिंग यानी पतले लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, पतले लेयर पॉलिश कर देते हैं, पतले लेयर से ये मरकरी और सिल्वर और उसके ऊपर मेटलिक ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है ना, ये डिपॉजिट कर देते हैं तो ये मिरर बन गया। अब हम लोग उसी तरह से स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। अगर कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर है तो उसके पोर्शन को काट करके
स्फेरिकल मिरर बनाया जा सकता है। अब मान लिया ये स्फेरिकल मिरर इससे बना है, ये स्फेयर है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर है। तो यहां से हमने एक पोर्शन को काटा और यहां से दूसरे पोर्शन को काट करके हमने निकाला, ठीक। अब इसे मिरर बना, इसे मिरर बना, इसके एक साइड आप लाइनिंग कर दो, ये भी मिरर हो गया, और इसके इनर साइड लाइनिंग कर दो, ये भी मिरर हो गया। तो हम लोग यहां पर देख रहे क्या, इस स्फेरिकल मिरर दो टाइप से बनाया जा सकता है। जब दो टाइप से बनाए जा सकते हैं, इसके टाइप कितने हो गए, दो, यानी स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स। फर्स्ट को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लैक्ट, इसके दो सर्फेसेस होते हैं, एक होता है रिफ्लैक्टिंग सर्फेस और दूसरा होता है ओपेक सर्फेस। रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो स्मूथ सर्फेस होता है, पॉलिश सर्फेस होता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहते हैं। तो इसका जो अंदर का साइड है ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, और ये अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, लाइट आके जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह हो उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा मिरर जो है ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और सेकेंड है कॉनवेक्स। कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, हम लिख देते हैं, और कन्वर्जिंग मिरर, यहां पर कॉनवेक्स और डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। अब कॉनवेक्स मिरर कैसा हो, अभी हमने बनाया था ये, और इसका अंदर पोर्शन जो है वो पॉलिश होता है, ये ओपेक होता है, लाइन करा हुआ होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सामने की तरफ होता है, बल्जिंग आउटसाइड, आगे के साइड जो बाहर हो जिसको हम लोग बल्जिंग कहते हैं, बल्जिंग आउट वार, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनवेक्स मिरर। तो टाइप समझ में आ गया, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव और ये कॉनवेक्स, राइट। अब इसके कुछ हम टर्म्स को देखेंगे, कुछ टर्म्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर को अगर हम देखें तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है बिल्कुल बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग पोल। ये जो हो गया इसको पोल यानी पी से लिखते हैं, ठीक है। जिस स्फीयर का ये मिरर बनाया गया होगा उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसको सी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा स्फीयर मिरर,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला लीजिए, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, पोल और द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच इट इज कट आउट इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, अब यहां पर एक मैकेनिज्म को हम देखें, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन इट पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नॉन एज फोकस, इसको बोलते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, और इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। समझ में आया, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, पोल द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर देन इट पासेस थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज फोकस। अब हम लोग फोकस यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से टू, तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये रिलेशन होता है एफ इक्वल्स टू आर बाय टू, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर पर कौन होता है, फोकस होता है। ठीक है, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, इस पर यह कॉन्वेक्स मिरर होगा कब, जबकि अंदर की तरफ लाइन होगी, है ना, तो ये हो गया पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर जो फोकस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही हो गया क्योंकि ये स्फीयर का सेंटर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। यहां पर क्या होता है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है मिरर पर तो ये डाइवर्ज हो जाता है ना, ये डाइवर्ज हो जाता है और हमें लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, यहां पर ये फोकस, दिस फोकस इज नॉट रियल फोकस, इट इज वर्चुअल फोकस, और ये डिस्टेंस जो है पोल और फोकस के बीच वो हो गया एफ दैट इज फोकल लेंथ। यहां भी रिलेशन यही होगा एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। ठीक है,
अब हम लोग इसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्टेंट मिरर है। अगर कोई बीम ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये फोकस के पास कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है, मान लिया यू ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लाइट फोकस से पास करती है देन इट विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो चीज यहां पर रखना है। पहला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरी बात कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है तो ये पैरेलल चली जाएगी आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो केस तो हमने समझा था। तीसरा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये पोल है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे ऑफ लाइट एट अ पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंट करती है एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस एंगल को आई माना जाता है बिकॉज दिस इज द नॉर्मल और दिस लाइन एक्ट्स एज अ नॉर्मल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर को चली जाएगी और ये बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीन पॉइंट को, थ्री पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे जब भी हमें ड्रॉ करना है। एक और पॉइंट, अगर कोई रे ऑफ लाइट ये पी पॉइंट है और ये सी से जाता है ऐसे या इस तरह से, तो क्या होगा? ये उसी लाइन पर लॉक करके चली जाती है, यानी रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन द सेम लाइन, ठीक है। जब भी हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम पहले साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन, उसके बाद हम इनके मिरर फॉर्मूला और उस पर कुछ टिप्स देखेंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं ऑल आर बेस्ड ऑन द साइन कन्वेंशन। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है देन यू कांट डू एनी न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। तो साइन कन्वेंशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसलिए इसमें मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूँगा और लिखूंगा भी, जिससे कि आप नोट कर लें और इसको बारी बारी से रिविजन आप करोगे तो फिर और प्रैक्टिस में लाओगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा और फिर सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ईजीली सॉल्व होगा। फर्स्ट हम देखते हैं कॉनकेव मिरर है। जैसा कि हमने अभी ड्रॉ करा था, ये बोल है, ये फोकस है, ये सी है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है,
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करती है एप्स, ठीक है। दूसरे रे को हम सी से पास कराएंगे और ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पर चली जाएगी और जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पर ए डैश बी डैश इमेज बनेगी। हम लोग जानते हैं कि जो इमेज सामने बनता है उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं और रियल होगा तो इन्वर्टेड, इस पर हम लोग बात करते हैं। अधिक साइन कन्वेंशन, फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कोई भी डिस्टेंस आपको मीजर करना हो देन यू आर ऑन द पोल, आप पोल पर हो और उस मेजरमेंट को ले रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकिंग पॉजिटिव है। सारे डिस्टेंस इसको याद रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अभी मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो आप कहां रहोगे, पोल पर। हम यहां आ गए पोल पर, ये जो डिस्टेंस है इधर वाला ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और इसके अपोजिट जाएंगे इन अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे। फिर से आप देखो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल, हम कहां पर है, पोल पर है। इधर के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ऑल आर टेकिंग एज पॉजिटिव है ना। इसका मतलब यही हुआ कि ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकिंग पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस तो हमें पोल से ही लेना है, तो पोल से इधर के साइड हम जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा और इसलिए पोल के बाद वाला जो डिस्टेंस होगा ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस इन द अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रेस आर टेकन नेगेटिव, ठीक है ना। आप कहां पर हो, पोल पर, यहां पोल पर है, इधर के साइड सारे के सारे नेगेटिव होंगे बिकॉज दिस डायरेक्शन इज द अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। लाइट तो इधर आ रही है, हम इधर ले रहे हैं डिस्टेंस, तो इस साइड क्या होगा, इस साइड सारे के सारे निगेटिव वैल्यू। यानी अभी के टाइम में जो इस डायग्राम के लिए सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ, अगर इरेक्ट है ऑब्जेक्ट या इमेज देन इट इज टेकिंग पॉजिटिव, इसको लिखते हैं अपराइट डिस्टेंसेस आर टेकिंग पॉजिटिव। ऊपर की तरफ ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से, सेकेंड है यानी नेक्स्ट डार्क राइट डिस्टेंसेस आर
टेक इन नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो सारे पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको आप ध्यान में रखोगे, यहाँ डाउन राइट का मतलब हो गया नीचे की तरफ, ये अगर ये डिस्टेंस की जरूरत आ गई तो ये हम लोग लेंगे निगेटिव, राइट। अब चलते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन में। इमेज हम लोग जानते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल। रियल इमेज किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज मीन बाय इमेज। इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पर इमेज बनती है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो, जैसे कि अगर ये ए बी लाइट ले लिया और ये बी सी लाइट ले लिया, तो ए बी इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, दूसरी तरफ ए, इसको डी ले लीजिए, सी हमने लिया है, ए ई इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट ए पॉइंट पर मिलता है, ए डैश पॉइंट पर मिलता है, इसलिए ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज, ठीक है। अब यहां पर रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज स्क्रीन पर बनता है, इट इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज बनता कैसे है? When the after, अभी बताया, when the rays of light after reflection meet at a point and it form an image, that image is known as real image. और real image होगा तो inverted होता है। जब भी real आएगा वहां पर inverted आएगा। आप लोगों के कोर्स के अनुसार हायर क्लासेस में तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि वर्चुअल भी है तो इन्वर्टेड बनता है। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग रियल और इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं। तो रियल अगर होगा तो इन्वर्टेड, और ये स्क्रीन पर दैट मीन्स मिरर के आगे बनेगा। अगर मिरर के पीछे बनता है तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज कहा बनता है? ऑन द स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन है ना, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द स्क्रीन। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में अभी पढ़ेंगे, रेड आएगा उसमें देखेंगे कि वर्चुअल इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द स्क्रीन। और वर्चुअल अगर बनेगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट, जहां रियल वहां इन्वर्टेड, जहां वर्चुअल वहां इरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट फर्स्ट बार और कौन के मिरर, कौन के मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है? तो इसके आप फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो इमेज कैसे बनेगा, ये देखिए, ये कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, यहां पर एफ, ये सी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट दैट मींस
इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। और हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करे स्पेक्ट्रल मिरर पर, तो ये पास करती है कहाँ से, फोकस, एक रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, कहाँ मिलती है, एप। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसमें तीन चीज हम लोगों को लिखना पड़ता है। एक तो पोजीशन, पोजीशन का मतलब कहाँ इमेज बनेगा, नेचर क्या है और साइज क्या है, ये तीन चीज पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हो गया पोजीशन, इमेज फॉर्म नंबर फर्स्ट, एट एफ, सेकेंड मिरर के सामने बन रहा है, अभी बताया मिरर के सामने है तो क्या होगा, रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड, हमें इमेज नहीं दिख रहा है, इमेज नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि वेरी स्मॉल साइज होगा, और हम कहते हैं इसको पॉइंट साइज, राइट। If the object is at infinity, then we can say the image is formed at F, real and inverted, and point size. Case second. If the object is beyond C, अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज कहां बनेगा, ये कॉनकेव मिरर पोल, ये एफ हो गया और इक्वल डिस्टेंस लेंगे यहां सी, और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, ठीक है। अब एक रे तो हम लेंगे पैरेलल और इसको पास करा देंगे कहां से, फोकस, ठीक। दूसरे रे को हमने बोला कि सी से पास कराइए और ये मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, और चूंकि ये ए पॉइंट से दोनों रे निकल रही थी तो यहां मीटिंग पॉइंट पर हम ए डैश लिखेंगे और ये बी, बी डैश। तो याद रहेगा इमेज फॉर्म नंबर फर्स्ट कहा, सी और एफ के बीच, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, क्या होगा भाई, रियल या वर्चुअल, रियल होगा क्योंकि सामने बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा है डिमिनाइज और स्मॉलर इन साइज, तो यहां लिखेंगे स्मॉलर इन साइज और डिमिनाइज, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी पर, उसके बाद हमने लिया बियॉन्ड सी, अब तीसरा केस सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। केस थर्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो कहां बनेगा इमेज। यहां पर आपको अगर याद रखते हो तो बहुत सही से आप रे डायग्राम बना सकते हो कि अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज बनता है, क्योंकि आप फ्री हैंड बनाओगे और या तो आगे या पीछे बन सकता है, इसलिए आपको करना क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिया हमने ए और ये बी ऑब्जेक्ट है, आपको सेम साइज के इमेज बनाने हैं, ए बी के सेम साइज,
और इसी पॉइंट पर बना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रे तो वही लेंगे हम लोग पैरेलल, और इसको पास कहां से करेंगे, एप से, एप से पास कर दिया। अब मैंने क्या बताया भाई कि आपको इसी पॉइंट पर इसके जस्ट नीचे ही इमेज बना रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रे हमने यहां इस वाले में सी से लिया था, तो यहां सी से तो ले नहीं सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट सी, देन वी ड्रॉ अ लाइन अलोंग एफ, एफ से ले जाएंगे, एफ से पास कराएंगे, सीधी लाइन लेंगे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पॉइंट से क्रॉस कराएंगे, और ये जो बनेगा ए डैश ए डैश बी, ये हो जाएगा इमेज। तो यहां पर इमेज जो होगा, इमेज फॉर्म नंबर फर्स्ट एट सी रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा सेम साइज का मतलब हो गया साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो थर्ड केस, फिर हम लोग फोर्थ केस देखेंगे। अब आगे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच ले जाएंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, ये हो गया कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये एफ और ये सी, ठीक है ना। अब यहां से इन दोनों के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो क्या करें, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले, कहां से पास कराए, एफ से, आप तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, एफ से हमने पास कराया, ठीक है। अब सेकेंड रे या तो आप सी से ले लो या एफ से पास करा के पैरेलल ले लो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एफ से पास कराएंगे और पैरेलल ले लेंगे, है ना। तो ये अब कहां चला गया, सी के पीछे चला गया। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को जब आगे बढ़ाते हैं तो इमेज पीछे की तरफ आता है, यानी ए डैश और बी डैश क्या हो गया, इमेज बन गया, ठीक है ना। इमेज फॉर्म नंबर फर्स्ट बिहाइंड सी रियल एंड इन्वर्टेड, अब यहां तो सेम साइन, कौन सा केस था, थर्ड, फर्स्ट केस में पॉइंट साइज, दूसरे केस में स्मॉलर, तीसरे केस में सेम साइज, अब मैग्नीफाइड यानी लार्जर साइज मतलब मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट से लार्जर, ठीक है। ये तो फोर्थ केस, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी सी और एफ के बीच रख दिया, अब कहां रखेंगे, एफ। नेक्स्ट यानी फिफ्थ केस में, पांचवे केस में हम लोग क्या करेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज एन एफ, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, तो इमेज कहां बनेगा भाई, इन्फिनिटी पर, पहले बताया हुआ है अगर ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, यहां एफ, यहां सी, और हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल, उसके बाद आप दूसरे रे को ले लो, या तो मैंने बताया पहले भी, या तो सी से ले लो आप,
या यहां से इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाया। यहां इजी होगा आपको कि हम सी से ले लेते, हम सी से ले लेते, यहां से एक्चुअली लाइट ए से स्टार्ट करती है मिरर पर और मिरर से जब लौटती है आपका रिफ्लेक्शन, तो ये सी से होते हुए जाते और पैरेलल वेव ऑफ लाइट जाएगी। दैट मींस इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अब है के लास्ट केस है इसका, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिक्स केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर यू। ये सिंगल केस है जिसमें कि कॉनकेव जो है, कॉनकेव मिरर वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल एफ सी, आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ज्यादा लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट आप नहीं बना रहे क्योंकि फिर इमेज बनाने में प्रॉब्लम होगी। एक मीडियम साइज बना लिया, यहां से पैरेलल लाइन लेंगे, कहां से पास कराएंगे, एफ से पास हो, ठीक है। अब फिर से मैंने कहा दूसरी लाइन को या तो पी से पी पर पहुंचा के और फिर रिफ्लेक्ट करा दे, या सी से ले लो आप, सी से अगर लेंगे तो सी पर से ही वापस आएगी लाइट, और जब पीछे बनाएंगे हम आगे डाइवर्स कर रहे हैं आगे तो मिलेगी नहीं, तो पीछे हम मिलाएंगे इसको डॉटेड लाइन से, पीछे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और जिस लाइन पर ये मिलती है दोनों लाइन दोनों रे उसको हम बोलेंगे इमेज ए डैश बी डैश, है ना। ये इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है, दैट मींस इट विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल है तो एरिया। अब देखो हर एक केस में क्या बना था, रियल था तो इन्वर्टेड, लेकिन यहां पर वर्चुअल है और वर्चुअल है तो एरिया। तो लिखेंगे इमेज फॉर्म नंबर फर्स्ट बिहाइंड द मिरर, सेकेंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड पॉइंट है मैग्नीफाइड। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बार और कॉनकेव मिरर में एक खासियत है कि ये स्मॉलर सेम साइज और लार्जर साइज जिसको मैग्नीफाइड करते हैं, तीनों टाइप के इमेज ही बनाते हैं। दूसरी बात, ये रियल भी और वर्चुअल। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस है। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस
when the object is at infinity. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो इमेज कहां बनेगा? ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और आपने देखा है कि फोकस इसके पीछे होता है, तो अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ले जाएंगे, इंसिडेंट कराएंगे, तो क्या होगा? ये डाइवर्ज हो जाएगा इधर और ये, ठीक है ना? और हमें लगता है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट आ रही है, दिस इज नॉन एज फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बना? फोकस पर। तो यहां देखेंगे इमेज फॉर्म, नंबर फर्स्ट बिहाइंड, द मिरर, सेकेंड वर्चुअल एंड मिरर, ठीक है, और तीसरा पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल, स्केल सेकेंड, वेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तो इधर होता है, इधर तो ऑब्जेक्ट हम रख नहीं सकते, तो पीछे रखेंगे हम लोग। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पीछे, दैट मींस मिरर के सामने, अगर यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये यहां से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है और हमें लगता है कि एफ से आ रही है, ये सी दूसरी लाइट को ले जाएंगे तो इसी पॉइंट पर वापस चली आएगी, लेकिन हमें लगेगा कि सी से आ रही है। यहां पर इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। इमेज फॉर्म, नंबर फर्स्ट बिटवीन, ये पोल है, पोल एंड फोकस, वर्चुअल, क्यों मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज, या डिमिनिश्ड, ठीक है ना स्टूडेंट्स? हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा कि ये रियल इमेज नहीं बना और ना ही मैग्नीफाइड और सेम साइज का, इट फॉर्म ऑलवेज स्मॉलर ऑफ इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ, मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर्स के यूज। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, का यूज जहां पर कि लाइट को कंसंट्रेट किया जाता है वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो सोलर कुकर में कंसंट्रेटर यूज करते हैं हम लोग एज ए मिरर, तो वहां पर फर्स्ट यूज हम लिख सकते हैं टू कंसंट्रेट, द बीम ऑफ लाइट, ऑन द फूड मटेरियल
material in the solar cooker. Second, as a saving mirror. सेमी मिरर में मिरर को इस तरह से रखा जाता है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर फोकस और पोल के बीच हमारा फेस आ जाए, जिससे कि मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनेगा. तो वहां पर हम लोग ये सेमी मिरर के लिए यूज करते हैं. तीसरा मिरर है टॉर्च लाइट. इन टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर के लिए जो यूज होता है, टॉर्च लाइट में रिफ्लेक्टर के लिए बाद डेंटिस्ट टू सी द मैग्नीफाइड magnified image of the tip. ठीक है, तो ये तो कुछ यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के. उसके बाद बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, बाइक एटसेट्रा. इन सब में हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं. अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है बाइक, गाड़ी, इन सब में पीछे देखने के लिए. हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल स्मॉलर बनता है. स्मॉलर मेनली है कि इसमें स्मॉलर इमेज बनता है, तो पूरे रोड को देखा जा सकता है इस छोटे से मिरर में. तो फर्स्ट यूज लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज रियर व्यूज इन कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा. बाय जितने भी गाड़ियां हैं सब को सबके साइड में ये कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जो कि पीछे देखने के लिए यूज करते हैं. सेकेंड, इसका यूज होता है दुकानों के सिक्योरिटी में, मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में. एक सामने के साइड मिरर जो लगा होता है, दे आर द कॉन्वेक्स मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर में पूरी दुकान को एक जगह बैठ करके, पूरे शोरूम को एक जगह बैठ करके देखा जा सकता है. तो हम यहाँ लगा के इट इज यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स. ठीक है, तो ये तो यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर के. अब हम लोग आगे चलेंगे मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1/V + 1/U = 1/F होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला में 1/V - 1/U = 1/F. वी क्या है, वेयर वी इजिकल्स टू इमेज डिस्टेंस. मैंने पहले भी बताया था आपको कि डिस्टेंस कोई भी अगर हम मेजर करें तो कहां से करते हैं, पोल ऑफ द मिरर, है ना.
पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद एफ फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ, राइट। ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इजिकल्स टू वन अपॉन एफ, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन साइन कन्वेंशन हमने पहले भी देख लिया है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दो होते हैं, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक एंगुलर मैग्निफिकेशन। आप जब 12th क्लास में जाओगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैग्निफिकेशन कौन सा है? लीनियर, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और ये होता है नेगेटिव ऑफ बी अपॉन यू और एम इजिकल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। एम इज द मैग्निफिकेशन, वी इमेज डिस्टेंस, यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच आई, एच आई को हम लिखेंगे हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ को लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, इसको आप लिख सकते हो। हाइट कैन बी डिफाइन, अब इसको डिफाइन कैसे करें, चाहे ये वाला डिफाइन कर दो आप या ये कर दो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, या फिर रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द नेगेटिव साइन। सो वी कैन डिफाइन, अगर डेफिनेशन की बात करें मैग्निफिकेशन के लिए, तो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, है ना। एम इजिकल्स टू, एम इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये आ गया एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, और मैं लगा देता हूं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों में और लिख सकते हैं एम इजिकल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, जो कि हमने यहां पहले लिखा। मैग्निफिकेशन तो निकाल, अब मैग्निफिकेशन पर कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि मैग्निफिकेशन बहुत कुछ बताता है। आप जब न्यूमेरिकल करते हो उसमें बहुत चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन
हम लोग कैसे इसको समझें, ये देखिए मैग्निफिकेशन। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं मैग्निफिकेशन के लिए। अगर मैग्निफिकेशन इफ एम इज इक्वल टू पॉजिटिव आया, एम आपने निकाला, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं। अगर एम पॉजिटिव आ गया तो आप डायरेक्ट लिखो द इमेज इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, वर्चुअल और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं वर्चुअल इमेज क्या है, जो कि मिरर के पीछे बनता है ना, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब इफ फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट है इफ एम इज इक्वल टू एफ, एम इज इक्वल टू नेगेटिव अगर है द इमेज फॉर्म इज रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इफ एम इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात अब करेंगे हम लोग। इफ एम इज ग्रेटर देन वन, एम अगर वन से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, द इमेज इमेज इज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड यानी लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। अगर एम वन से ग्रेटर हो जाए, वन से ज्यादा आ जाए, जैसे 1.1, 1.2 या 2 या 10, 6 कुछ भी, वन से अगर ज्यादा आ जाए तो ये क्या होगा, मैग्निफाइड। नेक्स्ट फोर्थ, इफ एम इज इक्वल टू वन, अगर एम की वैल्यू वन आ जाए, द साइज द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर एम की वैल्यू वन आ जाए, जैसे आपने देखा था एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, और अगर एम की जगह वन आ जाए तो एच आई और एच ओ क्या होगा, इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वन आता है एम की वैल्यू, देन वी कैन से द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और लास्ट पॉइंट है इफ एम इज लेस देन वन, अगर एम एक से कम हो जाए, वन से कम होने का मतलब हुआ कि पॉइंट, जैसे 0.8, 0.9, 0.1, अगर इन सब ये सब वैल्यू आ जाए, यानी वन से कम आ जाए, स्मॉलर हो, देन द इमेज इमेज इज डिमिनिश्ड और स्मॉल, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, वन से बाद फिर देखेंगे हम लोग। पहला, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एम अगर ग्रेटर देन वन है तो मैग्निफाइड, वन है तो इक्वल एंड लेस देन वन है तो स्मॉल। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज मीन बाय, मीन बाय एम इज इक्वल टू माइनस टू, एम इज इक्वल टू माइनस टू का क्या मतलब होगा, एम इज इक्वल टू माइनस
का मतलब है सबसे पहले आप क्या करो कि ये साइन को अलग कर दो, ठीक है ना। साइन क्या बताता है, नेचर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, रियल, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो ये सिर्फ बताता है आपको कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, रियल है या वर्चुअल। अगर नेगेटिव साइन है, आप यहां देखो रियल होगा, और अगर पॉजिटिव साइन है तो वर्चुअल। अब नेगेटिव साइन की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो वैल्यू है टू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, दैट इज ये वाला है। कई बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि माइनस टू है इसका मतलब ये वन से स्मॉलर, लेकिन नहीं, यहां ये जो साइन है ये आपको नेचर देता है और ये जो है ये मैग्निफिकेशन देता है, राइट। तो हम लोग बोलेंगे इट मीन्स, अगर आंसर लिखना हो तो लिखेंगे इट मीन्स द इमेज, इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, मैग्निफाइड। लेकिन यहां होल नंबर है टू है तो हम इसको मैग्निफाइड टू टाइम्स भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, डबल। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमने देख लिया है पहले ही, वही साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। कुछ बातों को जो हमें डायरेक्ट यूज करना है वो मैं बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन तो याद करना ही करना है, लेकिन इंस्टेंटली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उस टाइम हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है। यहां पर हमने लिखा नोट नंबर टू, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू ऑलवेज ऑफ निगेटिव। जब भी न्यूमेरिकल आ जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, तो यू की वैल्यू हम लोग निगेटिव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा, इधर होगा, जिधर आप तक रखते हैं यहां से जाते हैं, अरे ये फोकस है और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया। तो मिरर के सामने, और हम लोग जानते हैं मिरर के सामने सारा डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग लिखेंगे नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर इट इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर ये है और इसका जो फोकस होता है, फोकस होता है ये यहां, यानी मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे वाले सारे डिस्टेंसेस हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब रही बात इमेज का, सपोज आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और इमेज डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ निकालना है उस मिरर का, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो इमेज,
थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर बच्चे गलती करते हैं यहां कि ठीक है जनरल क्वेश्चन में क्या होता है, जनरल क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस दिया होता है, इमेज निकालना होता है, उसका नेचर और उसका मैग्निफिकेशन, ये सारे निकालना होता है। लेकिन अगर इमेज दे दिया तो फिर हम उस इमेज के लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज करें? तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो सामने बनता है इमेज, ये सारे के सारे रियल होते हैं। इधर सारे रियल, और रियल का साइन क्या होता भाई? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इमेज डिस्टेंस फॉर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही, रियल के लिए आप यूज करो नेगेटिव, ठीक है ना। अगर इमेज डिस्टेंस रियल गिवन है तो वहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे नेगेटिव। फॉर वर्चुअल पॉजिटिव, अब तो ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी हो जानी चाहिए, हमने इतनी बार रिपीट कराया है कि वर्चुअल का मतलब होता है मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अगर वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के साथ या मिरर इमेज बनाती है तो हम लोग कहेंगे कि इट इज पॉजिटिव, और अगर रियल है इट इज नेगेटिव। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सिंपल छोटा सा। एक न्यूमेरिकल हम लोग करके देख लेंगे कि ये किस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे विद साइन कन्वेंशन। गिवन में एच ओ है सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हम लोग इरेक्ट रखते हैं इसलिए पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, यू हो गया क्या माइनस या प्लस? माइनस, राइट, ये हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर, और एफ एन 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम देखते हैं कि फोकस क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। यू तो ऑलवेज नेगेटिव, मैंने मैं बता ही दिया था। अब एफ के बारे में देखें, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। कॉनकेव मिरर है नेगेटिव। अब हमें वी निकालना है और एच आई निकालना है, ये दो चीजें। तो
from mirror formula, from mirror formula, 1 upon V plus 1 upon U, 1 upon F, or 1 upon V, ये पहले वैल्यू आप मत रखो, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर वैल्यू रख करके फिर ले जाते। पहले आप जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखो। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन एफ माइनस 10 माइनस 1 अपॉन माइनस 15, और ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 1 अपॉन 15। आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, है ना। ये साइन नीचे का है तो ये यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये हो गया माइनस 3 और प्लस 2 यानी माइनस 1 बाय 30। ये 1 अपॉन वी माइनस 1 बाय 30, वी क्या हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर। देख लो, अब माइनस 30 निकला, जैसे ही माइनस 30 निकला है हम लोग सब समझ जाएंगे इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है इमेज, ठीक है। हमें एम निकालना है, एम इजिकल्स टू हो जाएगा, एम इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ। तो आप क्या करोगे, इनको लिख करके और यहां से वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया माइनस वी, वी कितना माइनस 30, यू माइनस 15, इजिकल्स टू एच आई निकालना है और एच ओ है 5 है, ठीक है। ये कट जाएगा 2 और एच आई यहां पर आ गया 5 × 10 और ये माइनस रह गया यानी माइनस है। ये भी बता रहे आपको एच आई निगेटिव है, इसका मतलब इमेज क्या है, इमेज जो है हमारा वो रियल है और रियल होगा तो इन्वर्टेड। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लेंगे, इसका आंसर जैसे इसमें बोला है पोजीशन नेचर एंड साइन, ये तीनों आपको लिख देना चाहिए एंड में। तो यहां पर देखते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, सामने है तो लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेचर, नेचर नेचर हो गया रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज चूंकि यहां पर इमेज साइज हमारा निकला हुआ है इसलिए मैग्नीफाइड लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये तीन पॉइंट इन्होंने पूछा था, हमने ये तीन पॉइंट लिख दिए। स्टूडेंट इसी तरह जब भी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आप करो उस टाइम सबसे पहले जब आप गिवन लिखते हो वहीं पर साइन कन्वेंशन का यूज करो। फिर हम मिरर फार्मूला दिखा देंगे वैल्यू पुट करके। एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, जिसको निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको पहले राइट साइड दे, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करके हम यहां पर देख लेंगे कि माइनस है या प्लस है, यहीं पर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अगर इमेज साइज निकालना हो, इमेज की हाइट निकालनी हो, अगर बाय द वे यहां पॉजिटिव आ जाता इसका मतलब आपने गलत करा है, क्योंकि ये तो बता रहा है रियल, रियल है तो इन्वर्टेड होगा और इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन आपका यहां पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन करेंगे, टिल देन थैंक यू। और अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या ईमेल आ रहा है हमारे वीडियो पर वहां जरूर लिखें। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।